मित्रों नमस्कार। आज मैं संविधान के अनुच्छेद 360 में वर्णित वित्तीय आपात अर्थात फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित पीसीएस एवं सिविल सर्विसेज एवं अन्य कंपटीशनों में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कौन कौन से संभावित सवाल बन सकते हैं आज आपको प्रश्नानुसार बताऊंगा। चलिए प्रश्न वाइज इस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न एक, वित्तीय आपात की उद्घोषणा किस आधार पर की जाती है? यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अर्थात वित्तीय अस्थायित्व या शॉक अथवा क्रेडिट संकट में है तो वो प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सिफारिश पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकेगा यानी करता है। प्रश्न दो, वित्तीय आपात की उद्घोषणा का प्रभाव क्या होता है? प्रभाव फर्स्ट, इस उद्घोषणा के होते ही संघ के कार्यपालिका का अधिकार राज्य की वित्तीय औचित्य संबंधी निर्देश देने के लिए हो जाती है। दूसरा, संघ सरकार राज्य सरकार को वित्तीय मामले में मितव्ययिता बरतने के निर्देश दे सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी वर्ग के सरकारी सेवकों के वेतन भत्ते में कटौती करने निर्देश दे सकता है। चौथा, राज्य सरकार को जितने प्रकार के कर्मचारी हैं उसके वेतन भत्ते में कटौती करने का निर्देश दे सकता है, यहाँ तक कि सभी प्रकार के जज उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तक के वेतनों के कटौती करने का निर्देश जारी कर सकता है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, किस आपात में कटौती की जाती है ध्यान रखें। छठा पॉइंट, अनुच्छेद 207 के अनुसार धन विधेयक ऐसे अन्य विधेयकों को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बावजूद भी जब तक राष्ट्रपति उस पर अनुमोदित नहीं करेगा वह बिल नहीं पास हो सकता, यानी राष्ट्रपति उस बिल को विचार एवं अनुमोदन हेतु मंगा सकता है या आरक्षित कर सकता है। प्रश्न, वित्तीय आपात उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोस्तों उत्तर है अनुच्छेद 360 में, याद रखें। क्या वित्तीय उपबंध संपूर्ण भारत क्षेत्र पर भी लागू होगा या किसी विशेष भाग पर भी लागू किया जा सकता है? मित्रों दोनों ही संभव है। राष्ट्रपति महोदय को अगर समाधान हो जाता है कि किसी विशेष भाग पर जरूरत है तो विशेष भाग पर भी लगाया जा सकता है और संपूर्ण भारत पर भी लगाया जा सकता है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा कौन करता है और किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है। राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद कितने समय तक वित्तीय आपात लागू रह सकती है? तो इसका उत्तर है केवल 2 माह, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि यदि अगला प्रश्न है कुल कितने समय तक वित्तीय आपात लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति की उद्घोषणा के 2 माह तक प्रवृत्त रहेगी, लेकिन दोनों सदनों द्वारा अगर 2 माह के भीतर अनुमोदित कर दिया जाता है तो 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है और इस तरह प्रत्येक बार सदन अनुमोदन करके 6-6 माह तक अनिश्चित काल के लिए जारी रह सकता है जब तक उसमें परिवर्तन या वापस न लिया जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देखा है कि 2 माह के भीतर दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन होना चाहिए। मान लीजिए जिस समय आपात स्थिति की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है उस समय लोकसभा भंग हो या विघटित हो तब उस स्थिति में वित्तीय आपात कब तक प्रभावी रहेगी? इस संदर्भ में इसका उत्तर यह है कि इस स्थिति में यदि राज्यसभा उसके 2 माह के भीतर अनुमोदित कर दे और नई लोकसभा जब गठन होती है तो उसके प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर अगर लोकसभा भी अनुमोदित कर दे तो 6 माह के लिए जारी रहेगी। इस तरह 6-6 माह करके अनिश्चित काल के लिए वित्तीय आपात बढ़ाई जा सकती है।
प्रश्न है, अब तक भारत में कुल कितनी बार वित्तीय आपात लागू किया गया है? इसका उत्तर है कि अभी तक इसका प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि 352 नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, जितने भारत पाकिस्तान युद्ध, चाइना युद्ध और इंदिरा गांधी के समय में लगाई जा चुकी है, और अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है। मित्रों, यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको प्रश्नानुसार यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी फायदे की चीज़ हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो आपके पास स्वतः पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सकें। इसको देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।